अब जैसे ये आ रहा है, क्या नाम है, कौन सा वायरस है, कोरोना वायरस है, पाकिस्तान में एक भी नहीं आया केस अब तक देखिए, क्योंकि वायरस भी नहीं जाना चाह रहे वहां पर, इसका एक भाव ये भी हो सकता है। अब ये बताइए कि इस वायरस से जो लोग बचेंगे उनमें से एक बड़ी संख्या उनकी होगी जिनका इम्यून सिस्टम बेहतर होगा, और इम्यून सिस्टम जिनका बेहतर है उसमें एक अपेक्षा कर सकते हैं कि वो व्यक्ति प्रकृति के साथ ज्यादा सामंजस्य में जी रहे होंगे। मान लो दो व्यक्ति हैं, एक रात को 9-10 बजे सोता है, सुबह 5 बजे उठता है, सुबह सुबह ठंडी हवा में सैर करता है, सूर्योदय से पहले उठता है और भोजन भी प्राकृतिक भोजन, फलाहार करता है, इस तरह का भोजन। दूसरा व्यक्ति सुबह 5 बजे सोता है, सारी बत्तियां बुझा के शीशों पे काला चार्ट चिपका के सोता है कि रोशनी बिल्कुल ना आ सके कहीं से भी। फिर दोपहर को 12 बजे उठ के पूछता है कि आज तारीख क्या है, फिर लोग बताते तारीख ये है, समय ये, पर पंचांग बताना पड़ता है उस उठने के समय, तब समझ में आता है कि अच्छा मैं कौन से देश काल में उसको उठता है। और भोजन के नाम पर तला भुना, इतना पकौड़ा, इतना तेल, इतना उपलब्ध चीज़ें खाता है, साथ में अचार मिला के खाता है। अब मान लो कोरोना वायरस आया और उसको इन दो में से एक को ही खाना है, तो उसके लिए ज़्यादा खाद्य पदार्थ कौन है इन दोनों में से? जो दूसरे वाला है, जो उसमें 5 बजे सोता है, ठीक से भोजन नहीं करता है ना, जो प्रकृति के विरुद्ध चल रहा है, वो उसका आहार हो जाएगा। इसका मतलब यदि जिंदा रहना है देर तक तो प्रकृति के सामंजस्य में रहना होगा। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि जैसे कई आप लोगों की उम्र में लोग 4 घंटे सोते हैं, 5 घंटे सोते हैं। मैं कई बच्चों से पूछता हूँ भाई, तो बोलते हैं कि पढ़ाई नहीं हो पा रही। पूछता हूँ कितने घंटे सोते हो, तो 5 घंटे, 4.5 घंटे। पढ़ाई का इतना तनाव है देखिए, 5 घंटे। मैंने 5 घंटे सो के कैसे पढ़ लेते हो? मैं सर कोई दिक्कत नहीं होती, पढ़ लेते हैं हम तो, 5 ही घंटे सोते हैं, नींद है इतनी हमारी, हमारा नींद अच्छा कंट्रोल है। मैं पूछता हूँ कि तुम ध्यान ध्यान करते हो क्या? कुछ नहीं, ध्यान नहीं करते, बस 5 घंटे सोते हैं बाकी पढ़ते हैं। तो मैं अपनी, मैं जिस उम्र में हूँ उस उम्र में उपदेश भी बना भी मानता भी नहीं है, तो मैं उपदेश दे ही देता हूँ बीच में थोड़ा सा। मैं कहता हूँ कि बेटा इसका सारा हिसाब काउंट हो रहा है कहीं ना कहीं, वो सारा एक साथ निकलेगा एक समय में। और ऐसे कई केसेस आते हैं कि 40-45 की उम्र में एकदम स्वस्थ व्यक्ति अचानक दिल का दौरा पड़ा, खत्म। और उसकी वजह क्या निकलती है बाद में? ये सब, लगातार कम नींद, लगातार अपने शरीर की प्रकृति के खिलाफ जीने का प्रयास करना। एक दिन हिसाब बराबर हो जाता है, फिर खबर छपती है अखबार में, बस और कुछ नहीं होता उसके बाद। ध्यान रखना है।